और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, उधम सिंह नगर के एसएसपी को सीएम धामी ने फटकार लगाई है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी को लगाई सीएम धामी ने कड़ी फटकार। जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर सीएम धामी नाराज हैं। जिले में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, सीएम ने कहा। एक दिन के खतीमा दौरे पर पहुंचे थे सीएम धामी। और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के मामले। बारिश बंद होने के बाद डेंगू के मामले बढ़े। हरिद्वार टिहरी समेत कई जिलों में इस वक्त डेंगू का प्रकोप है और बारिश बंद होने के बाद अब डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा है। आपको बताएं कि हरिद्वार टिहरी समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप अभी सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाए जाने लगे हैं और रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि बारिश बंद होने के बाद डेंगू का कहर अब बढ़ते जा रहा है, हरिद्वार टिहरी समेत बताया जा रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है, रोकथाम के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में अगर बात करें तो यहाँ पर जो 6 जिले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित अभी डेंगू से हैं, जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी और टिहरी। इन जिलों में अभी तक डेंगू के केसेस जो है ज़्यादा सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला देहरादून है, जहाँ पर 1100 के पार जो है डेंगू की संख्या पहुँच चुकी है। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 1600 के पार जो है डेंगू के केसेस पहुँच चुके हैं। हालांकि गनीमत यह है कि अभी डेंगू से किसी तरीके किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है तो जो नगर निकाय है, नगर निगम है, उनकी ओर से लगातार फॉगिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जिलों में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर डेंगू से जो पीड़ित हैं उनको प्लेटलेट्स जो है समय पर मिल सकें, अस्पतालों में बेड मिल सकें, तमाम चीज़ें की गई हैं। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश बंद हुई है उसके बाद जो डेंगू का मच्छर है उसको पनपने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलता है, तो ऐसे में जो अगला एक महीना है वो बहुत ज़्यादा जो है चिंताजनक हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतना होगा, जिस तरीके से सावधानियाँ रहती हैं। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर डेंगू को रोकथाम के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो ऐसे में अभी तक सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले 6 जिले प्रभावित हैं, लेकिन डेंगू से किसी तरीके की मौत अभी उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो अस्पताल हैं, चाहे जो सरकारी अस्पताल हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की बात स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। इस वक्त में रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।